गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्मानीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सबके बीच पधारे हैं। सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे। ओ शांति। और क्यों मामा ने ये विधि बनाई, क्यों बनाई? कारण होगा ना। आप देखिए, जब म्यूजियम बन रहे थे, जयपुर का म्यूजियम बना पहला, तो समझाने के लिए, अब टेक्नोलॉजी वाले तो भाई अपनी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस वाले अपनी बात करते हैं, बाबा इतने ग्रुप आते हैं, गाइड का गला थक जाता है, हम क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड कर दें? रिकॉर्ड करके जब ऑटोमेटिक लाइट जग जाएगी, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चलेगी, तो ज्यादा आजकल का जमाना ऐसा है। बाबा ने अलाउ नहीं किया। क्यों अलाउ नहीं किया? क्यों अलाउ नहीं किया? अच्छा था ना, विदेश में बाबा ने अलाउ नहीं किया कि तुम टेप चला दो, सुन लेंगे। नहीं, क्यों? अपने यज्ञ की स्थापना में, पढ़ाई में एक विशेष बात है। बोलो क्या, बोलो। वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशन कैसे? आज बाबा ने हमें होमवर्क दिया हुआ है, कौन सा? संगठित रूप से एक संकल्प में स्थित होना है, संगठित रूप से। तो संगठित रूप कब होता है? जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तब तो संगठित रूप से हम वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। संगठन में नहीं तो वाइब्रेशन कैसे क्रिएट करेंगे? नहीं हो सकते, ताकत नहीं होती है। क्यों कहा जाता है भट्टी करो तो सब इकट्ठे बैठते हो? अलग अलग बैठ जाओ अपने अपने घरों में, भट्टी जगेगी। एक जैसे भट्टी होती है, एक लकड़ी यहां जग रही है, एक यहां जग रही है, एक यहां जग रही है, तो उसका ताप आएगा? नहीं आएगा। ताप कब आएगा? सब इकट्ठी करेंगे। तो संगठन का महत्व, और संगठन का महत्व क्यों? क्योंकि उससे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, उससे शक्ति क्रिएट होती है, हम एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। जब हम क्लास में बैठते हैं, औरों के शुद्ध संकल्प, अगर मेरे संकल्प इधर उधर दौड़ भी रहे होंगे ना, तो औरों की वाइब्रेशन मुझे स्थिर कर देते हैं। अनुभव है ना, ये है ना अनुभव, या नहीं है? है ना अनुभव। तो बाबा ने ये विधि शुरू से रखी है, शुरू से रखी।